की बात यह है जो आज आपने ऋण लेकर आए थे कि मीटिंग हो जाए और आपको सोल्यूशन मिले, लेकिन लगता है कि वो 8 तारीख तक के लिए नहीं, हमने ये नहीं हमने कहा, हमने कहा कि वार्ता का दौर भी टूटना चाहिए, वार्ता का दौर भी टूटना वार्ता हो। आज क्या बात हुई और क्या मोटा मोटा निष्कर्ष है जिससे आप पूछ रहे हैं? निष्कर्ष निष्कर्ष ये है कि हमने वो कहा कि आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे ही आप पूरी अनाज को खरीदो? नहीं नहीं, अनाज को खरीदने की बात नहीं कर रही, एमएसपी में तो आज बात ही नहीं हुई, और अनाज पूरा नहीं खरीदने के, वे कानून बनाए जो भी व्यापारी कोई आएगा वो एमएसपी से नीचे पर खरीदना कर रही है। अच्छा एक बात बता, व्यवहारिक पर्सनल तौर पे राकेश जी ये बताएं कि क्या आपको नहीं लगता है कि अनाज का दाम बढ़ेगा और जो जो मार्केट में जो एंड यूजर है उसको इसका नुकसान और खामियाजा सहना पड़ेगा किसान के लिए, क्योंकि वो अब इनहांस एक इंक्रीज रेट पे उनको सामान उनकी खरीदी जाएगी, अनाज खरीदी जाएगी। कह रहा कि देश में अनाज की कीमत बढ़ेगी, जब भी बढ़ेगी, देश में खिलौने की कीमत बढ़ रही, चॉकलेट की बढ़ रही, हर साल आपके 7 बालक हैं वे हैं, हर साल आप जन्मदिन मनाओ, केक की कितनी कीमत बढ़ी वो कभी किसी ने ध्यान करा? उस पर कोई ध्यान नहीं। अगर कीमत बढ़ जाएगी, हमने कहा कि व्यापारी अगर खरीद करेगा वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे, आपस में किसी को लेन देन करना कर लो, क्या व्यापारी सस्ता दे रहा? राकेश जी एक बात बताएं, जो जितने 50-60 लोग जो जिनकी दुखद मौत हुई है, आपको कितना दुख है उस पर और कैसे आप? दुख नहीं हमारे परिवार के आदमी गए, हमको दुख है हमारे परिवार के लोग गए हैं, उनकी शहादत गई, उसके जवाबदेही पूर्व सरकार को देने पड़ेंगे। लेकिन सरकार कहती है ये तो किसान नेताओं ने लोगों को इकट्ठा कर रखा है, हम उनको बोलते आ रहे हैं कि आप अपने बूढ़ों को घर भेजो, बच्चों को घर भेजो, महिलाओं को सीधे लो, हमारी बात मान लो चले जाएंगे घर। तो आपको क्या लगता है कि 8 तारीख को आपको आशान्वित तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि राकेश जी आप उतना ही उत्साहित होके आएंगे, या आपको लगता है कि आज अगली बार भी क्या निकल के आएगा? ये 2024 तक भी वार्ता करेंगे, हम 2024 तक यहाँ रहेंगे, बिल वापसी नहीं जाएंगे, हम तो घर जाएंगे नहीं, हमें चाहे यहीं रहना हो कहीं, हम घर नहीं जाएंगे, मुजफ्फरनगर जिले में नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं होगी। लेकिन राकेश टिकैत जी कल सारों का निर्णय है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी है। आप भाई सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले ले और यंत्रवा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक जो ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो तो इसलिए तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोल्यूशन निकालिए, आप आगे इस पे मत बढ़िए, लेकिन उन्होंने किसानों को ये भी कहा है राकेश जी कि आप लोगों को रास्ता रोक नहीं सकते, आप बैरियर नहीं बना सकते, रास्ता बैरियर पुलिस बना रही है, हम नहीं बनाते बैरियर, क्या बैरिकेटिंग हम लेकर आए घर से? बैरिकेटिंग पुलिस रोकती है, हमने पूरे रास्ते दे रखे उनको। सर ये पुलिस वाले और सरकार जो स्टेट्स में, चाहे हरियाणा हो चाहे यूपी हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बैरियर हमको इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि किसान हमारी सुनेंगे नहीं, वो दिल्ली कूच कर जाएंगे। दिल्ली हरियाणा सरकार की दिल्ली है भाई, हम दिल्ली आ रहे हैं, हरियाणा का क्या मतलब है? हम दिल्ली आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का क्या मतलब है? हम दिल्ली आ रहे हैं ना, दिल्ली रोको हमको। तो क्या आप 26 जनवरी के लिए अड़े हैं, 23 तारीख के लिए भी अड़े हैं, 23 तारीख से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चीजें अड़ेंगे, सारी चीज करेंगे, यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर आएंगे 26 जनवरी में दिल्ली में तिरंगे झंडे लगा के, उस दिन तो सर पे टिकट मिलेंगे। तो आप लोगों के तस्वीर तो पूरी दुनिया जाएगी, जो चीफ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इंग्लैंड से उनकी तस्वीर न जाकर के आपकी तस्वीर जाएगी, आप इससे कितना प्रोत्साहित है? तिरंगा झंडा लगा के आएंगे, तिरंगा झंडे का अपमान कौन करेगा, उसका सर पे टिकट लेंगे। एक आखिरी सवाल बताइए, क्या आपको पुलिस से गो अहेड मिल गया, दिल्ली पुलिस से कि आप यहाँ दिल्ली कूच करें? अरे उनसे क्या लेने की जरूरत है, वे देंगे हमको, मतलब उनसे परमिशन लेंगे हम, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर तो होना चाहिए ना, अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना बने। बात नहीं, जब लॉ एंड ऑर्डर बढ़ेंगे वे हमको रोकियो, वे वाटर कैनन चलाओ तिरंगे झंडे पे, वे वाटर कैनन चलाएंगे ना, चलाओ। चलिए थैंक यू तिकैत जी।
Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.